पुणे में 200 साल पुराने भीमा कोरेगांव युद्ध की वर्षगांठ पर जातीय संघर्ष हिंसा हुई। दलितों और मराठों के बीच हुए संघर्ष में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। कोल्हापुर, परभनी, लातूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, हिंगोली, नांदेड़ और ठाणे जिलों में प्रदर्शन हुए। किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए मुंबई के पूर्वी उपनगरीय इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। घटना के खिलाफ महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने वाले बीआर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने हिंसा रोकने में फडणवीस सरकार को असफल बताया। प्रकाश अंबेडकर ने दावा किया कि बंद को 250 से अधिक दलित संगठनों का समर्थन हासिल है। प्रकाश अंबेडकर ने सीएम फडणवीस द्वारा न्यायिक जांच के आदेश का स्वागत किया और किसी गैर दलित न्यायाधीश से मामले की जांच कराने की मांग की। और हमने ये तय किया है कि ये जो पूरा इंसिडेंस है, एक सोचिए समझिए साजिश के तहत क्या ये किया गया, इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पुलिस इतने बड़े पैमाने पर वहां पर नहीं होती तो शायद बहुत गंभीर घटना भी वहां पर घट सकती थी। इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि इसके जो तह तक हम लोग जाए। इस बीच पुणे के डेक्कन पुलिस स्टेशन में गुजरात के नव निर्वाचित निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और जेएनयू देश विरोधी नारे मामले से चर्चित हुए छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ लिखित में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद ने कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिए जिससे हिंसा फैली। पुलिस ने 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की गुजारिश की है। नोटोरियस एलिमेंट्स थे, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पत्थर वगैरह मारने की कोशिश की, तो उनको हमने सीसीटीवी के मार्फत आइडेंटिफाई करके ऐसे कुछ 100 से ज्यादा लोगों को हमने ताबे में लिया है। इसमें मैं लोगों से यही आह्वान करूंगा कि अफवाहों पर विश्वास ना रखे और मुंबई की ये जो रेजिलिएंट हिस्ट्री है उसको बरकरार रखें। हमेशा की तरह इस हिंसा के बाद भी सियासत चरम पर है। दलितों और अगड़ों में विभेद के आरोप महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर लगाए गए हैं। शिवसेना ने भी इस मामले में सियासी रोटियां सेकी है, जबकि वह खुद बीजेपी के साथ सरकार में मौजूद है। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फडणवीस सरकार पर सुनियोजित तरीके से हिंसा कराने के आरोप मढ़े। राहुल गांधी भला कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी ट्वीट के जरिए इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी की फांसीवादी सोच को बताया। दलितों का एक उनके स्वाभिमान और बहादुरी का एक वो स्थल था, एक प्रतीक था, एक स्तंभ बना हुआ था, तो हर साल लोग उधर उनको आदर सम्मान उस स्थल पर वो अपना कार्यक्रम करते थे। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये मालूम है कि हर साल ये प्रोग्राम होता है तो उनको वहां पर सुरक्षा का उचित प्रबंध करना चाहिए था ताकि उधर कोई अनहोनी घटना ना घटे, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जब 200 साल पूरे हो गए इसलिए ज्यादा लोग जाएंगे इसका अंदाजा सबको था, और ऐसी स्थिति में वहां ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी, वो नहीं दिया गया। फडणवीस सरकार का दावा है कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी मुमकिन कोशिशें लगातार की जा रही हैं। साल 1818 में हुए भीमा कोरेगांव युद्ध में पेशवा को अंग्रेजों ने दलितों के साथ मिलकर हराया था। युद्ध के 200 साल पूरे होने पर लाखों की संख्या में दलित शौर्य दिवस मनाने इकट्ठा हुए थे। वैसे तो हर साल वर्षगांठ पर यहां कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है, लेकिन इस बार यहां कार्यक्रम की बजाय कुछ लोगों ने हिंसा भड़काई जिसमें किसी की जान गई तो कई घायल हो गए। ऊपर से तुरा ये की मौत पर सियासत जारी है, आपको कौन बांट रहा है शिद्दत से जरा खुद से सवाल पूछिए तो जनाब, जवाब खुद मिल जाएगा। कुमार मयंक, APN।